अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंप्यूटर वर्क चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू एमएस विंडोज 7 पेज नंबर 24। कल हमने पार्ट डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें आपने डिफाइन करना है, बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज, तमाम एक्टिविटीज सरगर्मियाँ ऑन द ऑफ अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर कोई भी काम है, कोई भी सरगर्मियाँ करते हैं, तो इसे कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यू आर ऑल थिंकिंग व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सब सोच रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज आ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है डैट कैरीज आउट ऑल द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर है एक, कैरीज आउट ऑल द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ हम लोग कंट्रोल करता है, उन्हें कैरीज करता है, जो हमें इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं। लुक एट दिस एमएस विंडो 7 स्क्रीन। ये सारा एमएस डेस्कटॉप है। हम डेस्कटॉप पे जो भी काम करते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? हम डेस्कटॉप पे जो भी काम करते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारा सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल। आपने इस क्वेश्चन को अपनी कॉपीज पर राइट करना है। डेट डे कंप्यूटर चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू एमएस विंडोज 7। इंट्रोडक्शन टू एमएस विंडोज 7 क्वेश्चन डी है। आप कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्वेश्चन नंबर 3 करना है। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि आपने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, आपके जो कंप्यूटर जो भी आप डेस्कटॉप पे काम करते हैं उन्हें कैरीज करता है, उन्हें कंट्रोल करता है, जो भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं डेस्कटॉप पे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है डैट कैरीज आउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज सरगर्मियाँ होती हैं उन्हें कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए सारा कंप्यूटर का सिस्टम चलता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना काम करे तो आपका जो भी आप एक्टिविटीज़ करती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हो आप लोग, वो नहीं हो सकती हैं अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम ना करे। तो आप अपने काम जो है नीट एंड क्लीन करना अपने कॉपीज़ के ऊपर।